पाक पवित्र और अलग महसूस किया हुआ है अपने आप को यीशु के लिए। अपनी इसकी ये कोशिश होती है कि हमें नजात का तजर्बा ना हो, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर हमें नजात का तजर्बा नहीं है तो फिर हम भटकी हुई भेड़े हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तोबा नहीं करते अपने गुनाहों से, तो फिर हमें नजात का तजर्बा नहीं, हम मसीह यीशु को के साथ हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, और ना ही फिर हमारे नाम जो हैं वो किताबे हयात में लिखे जाएंगे। और इस तरह से फिर हम देखते हैं वो कहते हैं कि मैं और क्या करूं जिससे मेरे सेरा में इजाफा हो सके। क्या बड़ी बात है, हालात तो बदलते रहते हैं इंसान की, लेकिन परमेश्वर रसूल हम सब जानते हैं कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई, कितना पहले वो कितने गुनाहगार थे, मसीहों को मारते थे, परसिक्यूशन कत्ल करते थे, अजियत पहुंचाते थे। अब क्या है कि वो इस तरह से वो कहते हैं क्या कुछ तकलीफ नहीं उन्होंने अभी अपनी खिदमत में उठाई, और फिर भी वो कहते हैं कि क्या और मैं क्या करूं कि मेरा सेहरा में इजाफा हो सके। अगर पौलुस रसूल के अलावा बाकी यूहन्ना आरफ का मुकाशफा छोड़ करके बाकी सारा पौलुस रसूल के ये सारे खत हैं जिन्होंने लिखे, जिनको आज आप पढ़ते हैं, और ये हमारी तंदीर और उसके लिए हैं। तो फिर वो कहता है मैं और क्या करूँ कि मेरे सेहरा में और क्या जो नग है सेहरे में, और जो कोई कमी है वो, और जो है वो मैं क्या करूँ जो उसमें एडिशन हो जाए, उसमें और आ जाए, खूबसूरती आ जाए। बड़ी बात है ना, क्या हम सोचते हैं। नहीं भी कई दफ़ा ये होता है कि भाई पहुँचो 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 और फिर निकलो बाहर, निकलो जल्दी निकलो आगे, एक और भी हमारा प्रोग्राम है। हमारा दिल यीशु के साथ नहीं लगा होता। खुदाम यीशु ने कहा थोड़े से हैं जिनके जामे आलूदा नहीं हुए। सो इसके बाद हम मत्ती की अंजील 22वां और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा मियां तो शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खातों से कहा उसके हाथ पांव बांध कर पाए अंधेरे में डाल, वहाँ रोना और गाल पीसना पीसना होगा। हाँ जी, क्या हमने पढ़ा कि शादी के ज्यादा कितने लोग आते, सौ हजारों सैकड़ों के हिसाब से शादी की ज़ियारत में लोग आते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया रब यीशु ने कहा थोड़े से हैं, और अभी क्या हुआ, ये जो था इस शख्स के लिबास जो था वो मौजूद नहीं था, तो नहीं है कि उसको लगाए घोड़े और उसको फेंक दिया। ये उन सब के लिए पैगाम है जो गुनाह में फंसे हुए हैं, जिनके जामे आलूदा हो गए हैं, और वो उनको धोने की कोई कोशिश नहीं करते, तोबा नहीं करते, तो फिर उनका हाल ऐसा ही होगा। वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते और वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुदा का कलाम जो है वो हमें ये मिसाल दे रहा है। खुदा के यीशु मसीह के और ये सारी तमसीलें जो हैं वो खुदा के यीशु मसीह ने खुद दी हुई हैं, इसलिए हमें पाक और खालिस होने की बहुत ज़रूरत है। अब्लीस हमारे जामों को बेईमानी के साथ दाग दाग करना चाहता है। खर्च कर दिए जाएंगे, जो नोट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये पांच बातें खुदा यीशु मसीह ने इस वक्त उनको ये हदायत दी। इसी तरह ये मुकाशफा 3 बाब और इसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं, ये पांचों हदायत जो हैं वो यहाँ पर हैं जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं। पहले ये बेदार हो
और होशियार रहने को कहा है। बेदार रहो शैतान के जलते तीरों से, उसकी चालाकी से, उसके प्लान से। हर वक्त इफ़्सियों 6 बार में जो हमारे पास जो हथियार हैं और वो उससे हम मुलब्बस हों, ताकि हम अबलीस के जलते तीरों को हम गिरा सकें, ढा सकें और यीशु के नाम में फतह पा सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी है। होशियार सोता हुआ बंदा रहता है, जो सो रहा है, जो जाग रहा है वो होशियार रहता है। अगर आपके गार्ड यहाँ पर ऊँधने लग जाएं, सो जाएं, तो क्या वो यहाँ पर किसकी हिफाजत कर सकते हैं? वो तो अपनी भी नहीं हिफाजत गार्ड कर सकता ना। फिर तो अगर वो ऊँगना शुरू हो जाए तो हम सब गार्ड ही है ना। अगर हम ऊँगने लग जाएंगे और सोने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम अबलीस आएगा और हम पर हमला करके चला जाएगा, हमारा नुकसान करके वो चला जाएगा। और खुदा ने यीशु को कबूल किया था, उसी तरह की पहली सी मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए। पहली सी मोहब्बत जब हम यीशु को हमने अपना दिल दिया था, पहली बार तौबा की थी, टूट पड़े थे हम, खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ, वो वाली जो मोहब्बत है खुदावंद यीशु कहते हैं मुकाशवा की किताब में, आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं खुदावंद, या तो तू क्या हो जा, सरगर्म हो जा, या तू सर हो जा, अगर तू नीम गर्म होगा तो मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। अगर खुदावंद यीशु हमें खारिज कर दे अपनी बादशाहत में, एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से, तो फिर क्या फ़ायदा, हमारी क्या ज़िंदगी का मकसद है? ये सारी दुनियावी तग व दो, आपके कान ठीक हैं, आपका दिल काम कर रहा है, सो आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अगर इसको आप कबूल नहीं करेंगे, ये वक्त जो है वो आपसे को याद दिलाया जाएगा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तूने खुदा का कलाम सुना था लेकिन तूने उसको अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया, तुझे नींद आ गई। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि एक करीबुल मर्ग कलीसिया, क्योंकि कलीसिया के हवाले से हम सीख रहे हैं, हम सब मसीह की कलीसिया हैं, हम उसका बदन है, यीशु क्या है, हमारा सर है, हम सब उसके अज़ा हैं, हम उसकी कलीसिया हैं। और अगर एक करीबुल मर्ग कलीसिया के निशानात भी मैं आपको बताए देती हूँ, अगर कोई कलीसिया सर्दीस की कलीसिया की तरह है और वो करीबुल मर्ग है, लाइफ सपोर्ट पर है, तो फिर उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? पहली तो ये कि वो मसीह की आमद में ना उम्मीद होते हैं, ना उनके उम्मीद होती है और ना ही तैयारी होती है, किसी को कॉपी ना करें क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं होती, वो ओरिजिनल कॉपी नहीं होती, वो कॉपी किया होता है दूसरे को, सो कभी किसी को कॉपी ना करें। दूसरी बात, सच्चाई और हकीकत को पसंद करना है। और फिर सर गर्म रहना है, खुदा में सर गर्म रहना है। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि फिर से